उमरिया नाम के गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, पर कोई भी गांव वाला उस झूले पर नहीं बैठता था। एक दिन हरिया और उसकी पत्नी सो रहे थे, तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। तभी हरिया की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन रो रहा है? लगता है ये आवाज बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे सीमा जल्दी उठो, आज फिर से बरगद के पेड़ की तरफ से रोने की आवाज आ रही है। अरे मर गए, ये रोने की आवाज तो उस झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो मत, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर हरिया खिड़की की तरफ जाकर देखता है तो वो बहुत डर जाता है। उसे झूला झूलते हुए एक औरत दिखाई देती है जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी और रो रही थी। अरे सीमा जल्दी यहाँ आकर देखो, झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर सीमा खिड़की की तरफ जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी ये वो चुड़ैल तो नहीं जिसने झूले पर कब्जा कर रखा है? तुम पागल हो गई हो क्या? वो सिर्फ एक औरत है। लेकिन रात के 2 बजे कौन झूला झूलता है? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देख कर आता हूँ। अजी आप पागल तो नहीं हो गए हो जो खुद मरने के लिए बाहर जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वो चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, ये कोई औरत नहीं है, चुड़ैल है। तुम सही कहती हो सीमा, इस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है, इसीलिए गांव वाले इस झूले के पास जाने से डरते हैं। आज तक तो हमने सिर्फ लोगों से सुना था, आज तो हमने इस चुड़ैल को अपनी आंखों से देख लिया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। फिर अगले दिन सीमा का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे सीमा बहन, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? अरे बस कुछ नहीं, आज सोचा अपनी बहन से ही मिल लूं। फिर वो लोग पूरा दिन बातें करने में गुजार देते हैं। फिर रात हो जाती है। राजू भाई, आप और पूजा इस कमरे में सो जाओ और हम पास वाले कमरे में सो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। फिर इतना बोलकर वो लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। पूजा खिड़की की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी नजर झूले पर पड़ती है। अरे ये झूला तो बहुत सुंदर है, मैं थोड़ी देर झूला झूल कर आती हूँ। फिर पूजा अकेले ही घर के बाहर निकल जाती है और उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, मैंने जैसा सोचा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। फिर पूजा उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। वो बहुत खुश होती है और वो थोड़ी देर तक झूला झूलती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, चलो अब घर चलते हैं। अगर दीदी ने देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगी। फिर जैसे ही पूजा उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है उसे किसी ने पकड़ लिया है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही है। वो बहुत डर जाती है। अरे मर गई रे, कौन है, किसने मुझे पकड़ रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अरे मर गई, मैं इस झूले से नीचे क्यों नहीं उतर पा रही हूँ? बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। तभी पूजा की आवाज सुनकर राजू की नींद खुल जाती है। सीमा और हरिया भी उठ जाते हैं और सीधा राजू के पास आते हैं। अरे राजू, ये तो पूजा की आवाज थी, वो कहाँ है? हरिया की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे पूजा उस झूले के पास पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे मर गए, ये क्या हो गया? पूजा उस झूले के पास कैसे पहुँच गयी? फिर वो सब लोग भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं और पूजा को उठाकर वापस घर ले आते हैं। फिर सुबह होने पर पूजा को होश आता है। पूजा तुम ठीक तो हो? आज के बाद कभी उस झूले पास मत जाना, उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब लोग सो रहे होते हैं, तभी पूजा की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चली जाती है और झूला झूलने लगती है। अरे आ, 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 आ,
उसकी हंसी सुनकर उन सब की नींद खुल जाती है। हरिया और सीमा भागते हुए राजू के पास आते हैं और पूजा को वहां ना पाकर डर जाते हैं। अरे राजू, ये पूजा अब कहां चली गई? जब वो खिड़की से झांक कर देखते हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूजा झूला झूल रही थी। अरे मर गए रे ये बेवकूफ, तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे गधे, राजू अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने पूजा को समझाया भी था उस झूले के पास मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें पूजा के पास चलना होगा, कहीं वो चुड़ैल हमला ना कर दे। फिर वो लोग भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। ए पागल पूजा, चल झूले से नीचे उतर, तुझे कल भी समझाया था ना इस झूले के पास मत जाना, एक बार में तेरी समझ में नहीं आता। जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो, लगता है ये चुड़ैल बन गई है। अरे मेरी पत्नी तो चुड़ैल बन गई, ये क्या हुआ? अरे भागो रे भागो, सब लोग अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे भाई हरिया, इतनी रात में कहाँ भाग कर जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी शहर से आई थी रात में, वो बरगद के पेड़ के झूले पर झूला झूलने चली गई, फिर चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। अरे भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो हम सब मिलकर उसके पास चलते हैं। तभी वो सब गांव वाले मिलकर उसके पास पहुंच जाते हैं। पूजा अभी भी झूला झूल रही थी। ए चुड़ैल, अब बहुत हो गया, तूने हमसे गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी डर की वजह से कोई भी गांव वाला रात में बाहर नहीं निकलता था, आज तो तुझे खत्म कर कर ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर एक गांव वाला खंजर से झूले की रस्सी को काट देता है। झूला टूटते ही पूजा नीचे गिर जाती है। फिर चुड़ैल गुस्से में उसके शरीर से बाहर निकल आती है। मूर्ख गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले में आग लगा देता है। उस झूले में आग लगते ही वो चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे मर गई रे गांव वालों, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर से वापस आऊंगी, मैं तुमसे बदला लूंगी। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और सब गांव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए।